नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खाद्य विभाग द्वारा बाणगंगा थाना क्षेत्र में संचालित हो रही फ्लोर मिल पर दबिश दी जा रही है, जहां पर खाद्य विभाग को एक बड़ी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन मिला था, जिसके बाद खाद्य विभाग द्वारा थाने पर फ्लोर मिल मालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लोर मिल खाद्य विभाग की टीम द्वारा दबिश दी गई थी, जहां पर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी योगेश झा द्वारा क्षेत्र में संचालित हो रही फ्लोर मिल के मालिक मनोज केटवानी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक मनोज की फ्लोर मिल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला राशन खाद्य विभाग की टीम को बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ था, जो कि अवैध रूप से संग्रहित करके रखा हुआ था। पूरे मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी योगेश झा की शिकायत पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। ये एक खाद्य विभाग के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं योगेश झा, इनके उनकी टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। उसमें फ्लोर मिल है यश एग्रो इंडस्ट्रीज, दिग्जिया एग्रो इंडस्ट्रीज, इनके मालिक मनोज खेटवानी हैं। इनके फ्लोर मिल पे उनको शिकायत प्राप्त हुई थी, तो फ्लोर मिल पे खाद्य विभाग की टीम के द्वारा दबिश दी गई और वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो करीब 68 क्विंटल गेहूं और 37 क्विंटल चावल जो खाद्य आपूर्ति के अंतर्गत राशन की दुकानों को प्रदाय किए गए थे और उनके कट्टे के सहित ये इतना अनाज वहाँ पे उनको अवैध रूप से मिला, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत धारा 3/7 के अंतर्गत इन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो उस पर से आरोपी मनोज केटवानी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट